अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा कि आज एक और ब्लॉग कर लिया जाए। धुंध देखे कितनी है मीरपुर में, दिखाया नहीं वधिया सब साफ। धुंध आप देख रहे हैं मीरपुर में कितनी है। मैंने इस टाइम तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इधर का टेम्परेचर चल रहा है। मेरे एक दोस्त ने इंग्लैंड से कहा था यहाँ -3 है। भाई साढ़े इंग्लैंड कंपेरिजन नहीं बनना, उसे बर्फ भी पड़ती है नहीं पड़ती। तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। साथ ये देखे आसम है, दरबार ग्राम है कि अपने भी शक्ल बहाओ घुमा के। ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये मीरपुर के हालात है आजकल, जो धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है। आप अली हसन क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, धुंध तो बहुत ज्यादा पड़ी है, ठीक है। तो इस सर्दी में यही है कि आप जराई लेके घर बैठे, ठीक है। जराई की होता बाहर ना निकले। इसके कहने का मतलब है कि रजाई ले घर में बैठे, इस सर्दी में बाहर ना निकले हमारी तरह। असी तो यही पागल है भाई। नहीं दस सकते अनाज की गल्लां ते। नाज़रीन आप ये देखें, देखने वाले मेरे प्यारे भाईयो, ये देखें यार कितनी धुंध है। और इस धुंध के अंदर आप कोशिश करें बाहर ना निकलें। हाँ, अगर आपने निकलना है तो पैदल थोड़ा सा निकल के इसको एंजॉय करें जैसे कि हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा व्यू है। और जब भी आप देखें ये कश्मीर वाली साइड में, थोड़ा सा पंजाब वाली साइड में भी ज्यादातर होता है, लेकिन कश्मीर वाली साइड में ना खूबसूरती भी है और साथ साथ आपको एक प्यारा आंखों को व्यू भी मिल रहा होता है। और ये धुंध जब भी मैं देखता हूँ इस मौसम में, धुंध में मुझे राइड करने का बहुत मजा आता है। बस कवर रहना चाहिए उसको, सर्दी बहुत लगती है। लेकिन यार देखो ये मस्त यूनिवर्सिटी आई हुई है, करो जी मास्टर। ये जी मस्त यूनिवर्सिटी है मीरपुर की। धुंध के हालात तुम देख लो यार, कहीं मुल्क के हालात ने साडे। हाँ मुल्क के हालात एंजी, ये धुंध इस तरह ही है, ये धुंध इस तरह ही है जैसे हमारा फ्यूचर है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये फ्यूचर की तरह मेरे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वली हसन तेरा भी एनजी है? मेरा भी एनजी नेरा पे यार पाते तुसी वेख लो, हले तक चौक सीधा नजर नहीं आ रहा। ओ वेखो होने जाके नजर आया ए थोड़ा जा, ए तुसी चौक सीधा दे नजर नहीं आ रहा। हां ए साहब नहीं हुंदा हुन असि पहुंच गए हां केरी साइड केरी जगह आ गई है जी? मेट्रो स्टेशन दे कोल। हां मेट्रो स्टेशन दे कोल पहुंच गया, मेट्रोपोलियन इंग्लैंड दा शहर है जेड़ा। हां मेट्रो जी, मेट्रो मेट्रो मॉल है जुतियां दा, स्टेशन नहीं है। हां मेट्रो मॉल है जी यार। असि ते अपनी बाइक काढ ली है विचो। हुन वेखो चौक वाली साइड बड़ी धुंध सी ते इस साइड कोई धुंध नहीं है। ए की है वली हसन, एनु की कहिदा? ओए एनु आही दा बिजनेस बिजनेस। हाँ वेखो उस साइड जिथे निकले उथे इन्नी ज्यादा धुंध है, ते जेरी साडे वाली साइड है जेरी मंदी है फादर चौक वाली साइड, ते इत्थे जरा भी धुंध नहीं है। ए कोई समझ नहीं, हुण वेखो इत्थे फिर शुरू हो गई है। ए कोई समझ नहीं आ रही है की हो रहा है, कदे धुंध गायब हो रही है ते कदे आ रही है। तेनू समझ आ रही है कोई? ए जेड़ा ना ए कुदरत दा निजाम एक हां के जिथे ज्यादा हरकत चलदी है ना, हरकत ओ दूसरी नहीं ओ देनी धुंध भी ना घट ही होंगी है, ठीक है। थोड़ी हरकत धुंध ज्यादा है जी। वेख सकते जिथे रश ज्यादा ना, जिथे लाइटा ज्यादा ने उथे घट ही रोनी। जेरे साडे वाले फादर चौक वाले पासे लाइट गई है ते धुंध भी वेखो फिर उस हिसाब नाल बह रही है। ए थोड़ा मैं क्या के तुहानू मीरपुर दे बारे थोड़ा दस करिए कि जिंज दी धुंध चल रही है। बहुत आला व्यू, बहुत आला है, पर सफर कराने वाला व्यू नहीं, फिरन वाला व्यू है। निकलो घर तू बाहर, थोड़ा अगे पीछे जाओ, चाय शाह पियो अपने दोस्तों नाल। ये था मीरपुर का थोड़ा सा मैंने का मौसम आपको दिखा दिया जाए। सर्दी तो बहुत ज्यादा, धूप भी बहुत ज्यादा और मजा भी आया इतना। तो ये मेरे साथ है, ये मेरे कैमरा मैन है वली हसन। वली हसन किस तरह हो? ये देखे जी आसम भाई भी ठंड से कांप रहे, पीछे उसामा भी लुका हुआ है। उसामा भाई बच्चियों से बातें यार, इस तरह नहीं करना चाहिए। ते यहाँ करते अपने व्लॉग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मिनी व्लॉग कर लें क्योंकि आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं व्लॉग कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।